आज मैं जी अपनी नेबर्स के घर आई हूँ आप लोगों को शहतूत खिलाने, खुद भी खाने की। ये देखिए बहुत से लगे हुए हैं, बहुत से ये लोग खा चुके हैं। मुझे भी दावत मिली थी 3-4 दफ़ा, तो आज मैं आई हूँ। मैंने कहा मैं भी आज खा के आती हूँ। ये हमारे फ्रंट डोर नेबर्स हैं, बहुत से लगे हुए हैं, काले स्याह हुए हैं बहुत से, तो उसमें जो पके हुए हैं ये देखें। आज मैं सारे तोड़ के लेके जाती हूँ घर। बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ है। मीठे हैं जैसे शहद होता है। हमारे नेबर्स का ये प्लम का पौधा है, 3 है। पिछले साल मैंने देखे थे तो पिछले साल नहीं लगे हुए थे, इस साल बहुत लगे हुए हैं। 3-4 अभी हमने तोड़े हैं, लेकिन उनको कीड़ा लगा हुआ था। अभी पक्के नहीं है प्रॉपर, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए ये पका हुआ है, इसको तोड़ते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इनके परिंदे बहुत आते हैं, ये देखें अभी भी कबूतर बैठे हुए हैं, उड़ गए हैं मुझे देख के। इनके साथ वो फेमिलियर हैं, वो लोग आते हैं तो वो बैठे रहते हैं। मैं चूंकि नहीं हूँ इनके लिए तो उड़ जाते हैं। ये देखें ये लद्दा हुआ है, इन्होंने सहारा दिया हुआ है इसको। ये भी प्लम का ही है, माशाल्लाह बहुत लगे हुए हैं। ये भी प्लम का है, ज़्यादा सूखा हुआ है और सिर्फ इसकी एक शाख ही है जो हरी है। इसके ऊपर भी लगे हुए हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं। ये तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इसके ऊपर। पकेंगे फिर आऊँगी, वीडियो बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं शहतूत लेके आई हूँ नेबर से, धो के मैंने रखे हैं ठंडे करके, उनको फिर खाऊंगी। मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा पके हुए मीठे हैं शहद की तरह। ये जी हमारे नेबर्स के प्लम, कच्चे थे मैंने आपको पहले दिखाए, तो पके हुए हैं आपको दिखाऊं। आज मैं लेने आई थी। येलो है ये, जिस साइज से धूप पड़ती है पकते हैं उस साइज से रेड हो जाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, उस पर भी काफ़ी हैं, लेकिन इस पर जो है ये आप कह सकते हैं दरख्त लटका हुआ है लग लग के इनके वजन से। ये देखिए माशाल्लाह पूरा बंच लगा हुआ है इसको, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना वैसे लगा हुआ ये बंच इसको। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ प्लम का जूस। ये मेरे पास रेड और येलो जो प्लम होते हैं वो हैं।
फ्रेश हैं, मैं अभी तोड़ के लेके आई हूँ। हमारी फ्रंट डोर नेबर्स के यहाँ लगे हुए हैं। दावत मिली हुई थी मुझे कि ले लूँ, तो आज मैं लेके आई हूँ, जूस बनाने लगी हूँ। अंदर से ये बिल्कुल पके हुए हैं, जूसी हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। और फ्रेश चीज़ हो और ऑर्गेनिक हो तो उसका टेस्ट तो फिर और ज़्यादा अच्छा होता है। जूस बनाने के लिए प्लम की मैं जो गुठलियाँ हैं अंदर से वो निकाल दूंगी। जितने आपने डालने हैं उतने आप डालिए, जितने गिलास बनाने हैं उसी के हिसाब से। यहाँ पे मेरे पास आइस पड़ी हुई है, मैं आइस थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास हनी है। आल्दो ये प्लम जो हैं वो बहुत मीठे हैं, लेकिन फिर भी आइस जब अंदर जाएगी तो उनकी वो जो मिठास है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर हनी डालूंगी, ऑप्शनल है। आप नहीं डालना चाहते हैं, सिर्फ पके हुए अगर आपके पास प्लम्स हैं उनका जूस बनाना चाह रहे हैं तो फिर बेशक मत डालिएगा। मेरे भी ये पके हुए हैं, लेकिन मैं आइस ज़्यादा डाल रही हूँ तो मुझे है कि थोड़ी सी मिठास कम ना हो, पूरी होनी चाहिए तो अच्छी लगेगी जूस के अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा हनी डाल रही हूँ साथ। अब इनकी मैं गुठलियाँ निकाल लूँगी और जग मैंने रखा हुआ है ब्लेंड करने के लिए, इसके अंदर डालती हूँ साथ आइस और साथ थोड़ा सा हनी, ब्लेंड करने लगती हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी शक्ल। देखिए माशाल्लाह जो पके हुए हैं कितने खूबसूरत हैं, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत लगता है कि बंदा वहां पहले तो खड़े होके देखता है, सोचता है कि तोड़ूं कि ना तोड़ूं, क्योंकि लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से भी आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं, आंखें खुश हो जाती हैं ऐसे अच्छे कलर देख के। अल्लाह मियाँ की सना बयान करने को बंदे का खुद खुद दिल करता है कि उस मालिक ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत चीजें जो हैं वो दुनिया में पैदा की हुई हैं। तो आइए जूस को बनाना शुरू करते हैं। प्लम मैंने काफी सारे जो हैं वो अंदर डाल दिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा हनी। इसको आप करेंगे ब्लेंड। आइस मैंने पहले नीचे डाल दी थी, इसको क्रश कर लूं पहले, थोड़ा सा इसको मिक्स करना पड़ेगा। हमारा प्लम का जूस तैयार हो गया है, इसको मैं स्ट्रेन नहीं करूंगी, इसी तरह से सर्व करेंगे। इसको निकाल लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जूस हमारा रेडी हो गया, इसको आप निकालते हैं और सर्व करते हैं। फ्रेश प्लम जूस तैयार है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।